नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्वीकार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था। उस एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि जो एटम है, एटम का जो सारा जो न्यूक्लियस है, जो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं वो न्यूक्लियस के पास होते हैं, एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जिसको न्यूक्लियस हम बोलते हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग जो है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का अपना कुछ साइज़ है, तो एटम का साइज उससे 10,000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और एटम का जो मोस्टली जो बहुत सारा जो पार्ट है वो खाली रहता है। अच्छा, तो जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल सजेस्ट किया, उन्होंने मॉडल सजेस्ट किया कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके जो है चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं, ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर लोगों ने सवाल उठाया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं, सर्कुलर वे में मूव कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर क्यों नहीं आ जाते? ये जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ घूमते रहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते? तो इसका उन्होंने रीज़न दिया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों तरफ घूमते हैं तो मोशन में घूमते हैं। ठीक है, जब ये मोशन में घूमते हैं तो इनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, तो उस मोशन के कारण ये इसकी तरफ जो है एक बाइंडिंग फोर्स से जुड़े तो रहते हैं लेकिन अट्रैक्ट होकर इसके साथ जुड़ नहीं जाते। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके जो है ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है, तो इसके पास जो फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, ये चीज़ें हम जो है इस वीडियो में देखते हैं कि ये एनर्जी कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा है? कूलम फोर्स होता है, ठीक है। तो वो फोर्स हो गया कूलम फोर्स, इसके बराबर 1/4πε0 ये चार्ज और ये चार्ज, क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, और मैं सीधा इसको लिख देता हूँ ई का स्क्वायर, ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ये अट्रैक्शन का फोर्स है ना, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स और ये फोर्स, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ये वाला फोर्स हमको मिल गया, ठीक है। अब यही वाला फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से ये सेंट्रीपेटल जो है एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है ना, तो इस पर सेंट्रीपेटल फोर्स लगा है, और सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है? FC = mv² / r, ठीक है दोस्तों। अब यही सेंट्रीपेटल फोर्स इस कूलम फोर्स के बराबर है, ठीक है, ये दोनों इनको एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं। सो 1/4πε0 E² / r² = mv² / r, ठीक है दोस्तों। अब एक r से ना एक r को हटा देते हैं, एक r से एक r को हटा दिया, तो यहाँ पर अगर हम r की वैल्यू निकालना चाहें, मतलब कि ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट में है, ठीक है, तो r की वैल्यू हम इस तरह से निकाल देंगे कि r = 1/4πε0 E² r² ठीक है, डिवाइड बाय mv² तो ये तो हो गया हमारे पास रेडियस, हमने निकाल दिया, ये फोर्स काम कर रहा है। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की, बात कर लेते हैं पहले कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी हमको पता है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी = 1/2mv². अब देखो यहाँ पर mv² आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो mv² है, ठीक है ना, इस mv² को फिर दोबारा से मैं यहीं पर ले आता हूँ, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है,
तो देखो इसको उठाया मैंने, अब इसको यहाँ से उठा रहा हूँ, इसको हाफ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और हाफ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके साथ भी हाफ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 1/8, 4 × 2 = 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर आर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ गई, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ये। अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी है, बहुत बढ़िया बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के केस में कितनी होती है ये हम जो है पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उस जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी 1/4 πε₀ Q1 Q2। ठीक है, और अब ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये अट्रैक्शन की एनर्जी है। अगर अट्रैक्शन की एनर्जी है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ई स्क्वायर ओवर आर। ये सबसे पहले हम जो है जब हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था ना, तब ये चीज हम तब जो है पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई दोस्तों, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई दोस्तों ये। अब अगर काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी के लिए इसको और इसको दोनों को हम कर देते हैं ऐड। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 ए स्क्वायर ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, और इसको हम देते हैं यहाँ से हटा, इसको यहाँ से हटा दिया, ये आ गया फिर दोबारा से 1/4 π एप्सिलॉन नॉट और ये ई स्क्वायर और ये आर। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास जो है टोटल एनर्जी निकल कर आ जाएगी। ये वाली टोटल एनर्जी कौन सी होगी? ये वाली टोटल एनर्जी वो एनर्जी होगी जो इस न्यूक्लियस से इस नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन को जो है बांध कर रखती है, ये ना तो इसको दूर जाने देती है और ना ही अपने पास आने देती है। ठीक है, ये नेगेटिव, अब अपने पास तो आने नहीं, क्योंकि जब ये मूव करेगा ना तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करता है, तो टोटल एनर्जी होगी ये जो इसको बांध कर रखती है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ई स्क्वायर इसमें भी है कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन ले लिया सबसे, 1/8, 1/8 माइनस 1/4। ठीक है दोस्तों, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं सीधा, तो ई स्क्वायर ओवर फाइव पाई एप्सिलॉन नॉट आर 4 − 8/32, तो ये गया 8 में से 4 गए 4 और 4 × 8 = 32, तो 1/8 ये हो जाएगा −1/8। तो ये हमारे पास जो है टोटल एनर्जी निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों ये वो टोटल एनर्जी है जो इस न्यूक्लियस को, सॉरी इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ बांध कर रखती है, और इसी एनर्जी को हम क्या बोल देंगे? इसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, इसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, वी को इधर ले आओ, आर को इधर भेज दो और स्क्वायर रूट लगा देना, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी निकल कर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारे पास, ये बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाल दी। ठीक है, अब देखो अगर ये वो बाइंडिंग एनर्जी है जिसने इसको बांध के रखा है, अगर हम इतनी ही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दें तब क्या होगा? अगर हम इतनी ही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दें, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, ये नेगेटिव है। ठीक है, और इतनी ही एनर्जी हम इसको और दे दें तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। अब एनर्जी अगर 0 हो गई, जो एनर्जी कितनी मिली हमको, टोटल टोटल जो एनर्जी मिली वो मिली ये ई स्क्वायर ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ये ए। ठीक है, अब अगर टोटल एनर्जी को हम 0 कर दें
टोटल एनर्जी को कर दे हम जीरो, मतलब के इतनी ही एनर्जी और हमने इसको दे दी, ठीक है, इतनी ही एनर्जी हमने इसको और दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, निकल के भाग जाएगा, मतलब के ये आर को अब यहाँ पर लिया हुआ, आर को लिया हम यहाँ पर, और ये हो गया जीरो। अब अगर ये सारी की सारी चीज जीरो हो गई तो ये हो गया इन्फिनिटी, तो आर कितना हो गया, आर हो गया इन्फिनिटी, ठीक है, और हमने जीरो किसको किया, हमने जीरो किया टोटल एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी को अगर हमने जीरो कर दिया तो यहाँ पर जो इसके पास कुछ एनर्जी थी जो इसको बांध कर रख रही थी, ठीक है, उसको हमने रिलीज कर दिया, उसी के बराबर एनर्जी इसको हमने दे दी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल कर भाग जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, फिर इन्फिनाइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में हमको समझने वाली चीज़ थी कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास एनर्जी थी, वो हमने यहाँ पर अलग अलग स्टडी की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।